हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन गाइज। आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे प्यारे एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइज। और इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करेंट अफेयर का न्यूज है, जो हाल ही में भी करेंट अफेयर में था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कंपटीशन जो कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, और ये अभी करेंट में न्यूज में क्या था, तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट यूपीएससी 2021, 22 और 23 में अगर एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही किसी भी टाइप के कंपटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो, तो इस कोड को अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। दिस इज माई कोड, SHIVGOVIND 1001-501। इस कोड को अप्लाई करो, 10% किसी भी कोर्स पे आपको 10% का मिल जाएगा ऑफ। राइट, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो अभी जो है यहाँ पे हाल ही में जो है वो यहाँ पे जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यहाँ पे इसका निष्कर्षों को, मतलब एक विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के बाद यहाँ पे एक सर्वे किया गया, और यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है ड्रग सेक्टर में, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, CCI, वो यहाँ पे मेजर जो उपाय हैं उसको चिन्हित किया है कि किस तरीके से हमारा फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसमें किस तरीके से कंपटीशन बढ़ाया जाए, प्रतिस्पर्धा किस तरीके से बढ़ाया जाए, कैसे उसको, तो ये सारा प्रॉब्लम जो मार्केट स्टडी है उसको करके, और एफोर्डेबल जो है वो ड्रग का अमाउंट जो है वो किस तरीके से फिक्स किया जाए, इसके बारे में पूरा का पूरा जो है ये करंट अफेयर का न्यूज़ है। इसमें यही बात किया जाएगा कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा हमारे जो देश का, हमारे जो राष्ट्र का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसके लिए, उसको जो है एक अफोर्डेबल जो है वो हर लोगों के लिए अफोर्डेबल हो वो ड्रग्स, उसका मार्केट स्टडी कर कर उसको एनालाइज कर कर उसमें यहाँ पे कुछ कुछ जो है कंपटीशन को बढ़ाने के लिए इस सेक्टर में यहाँ पे बहुत सारे उपाय को चिन्हित किया गया है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जरूरी क्यों था। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस स्टडी से हम लोगों को ये अध्ययन क्यों शुरू किया गया, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारे कंज्यूमर हैं, तो उनको जो है उनके पास विकल्पों का अभाव है। सबसे पहला उनके पास जो है विकल्पों का अभाव होने के कारण, जैसे मुद्दे को देखते हुए जो CCI है, मतलब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, उसके द्वारा ये जो है स्टडी को शुरू किया गया था। क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास या फिर जो भी कंज्यूमर है जो मेडिसिन खरीदते हैं उनके पास किस चीज़ की कमी है, उनके पास जो है एक तरीके से चॉइस नहीं है कोई भी मेडिसिन मैक्सिमम अमाउंट में लेने का, या फिर डिफरेंट टाइप का मेडिसिन लेने का। जैसे आप ये समझ सकते हो कि उनके पास चॉइस की कमी है, अगर कोई भी डॉक्टर, अगर उनको जो है डॉक्टर महंगी दवाई को लिखते हैं, फिर उनके पास वो उसी कॉम्बिनेशन का जो है वो दवा सस्ते में भी अवेलेबल है, उसके बाद भी डॉक्टर वहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं आपको इसी मेडिसिन को लेना है, और वहाँ पे कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है जिसके कारण उन लोग महंगी दवाई को खरीदते हैं। तो इसी को देखते हुए, कंज्यूमर के प्रॉब्लम को, जो मुद्दे थे उसको देखते हुए, ये जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये मार्केट का अध्ययन शुरू किया गया। इसके बाद वर्तमान में ये ऐसा पता चला कि जब दवाओं की बात तो होती है, तो यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो किस चीज़ के आधार पे होता है हमारे देश में, यहाँ पे ब्रांड पे होता है, जबकि प्राइस पे होना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन हमेशा किस चीज़ पे होना चाहिए, प्राइस पे होना चाहिए, ना कि ब्रांड पे। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे देश में जो है वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ब्रांड पे। राइट, तो ब्रांड के कारण ही कभी भी दवाई जो ब्रांडेड दवाई जो होती है, अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर आपसे ये बोला जाए कि अगर आपको ये बोला जाए कि आप दूध खरीदो, राइट, तो दूध खरीदो, तो इस कंडीशन में दूध का जो है आप दूध कहीं से खरीद सकते हो, वहां पे एक प्रेस्क्राइब नहीं है कि आपको उसी जगह से खरीदना है।
लेकिन अगर आपसे ये बोला जाता है कि आपको जो है वो मोहन के गाय का दूध खरीदना है और उसी का गाय का दूध आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब लाभदायक है, बेनिफिशियल है, तो उस कंडीशन में वहां पे मोहन को अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट नोटिस करता है तो फिर वहां पे उसका प्राइस ऑटोमेटिकली उसके अमाउंट के अनुसार जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे देश में यही होता है कि डॉक्टर यहाँ पे जो भी मेडिसिन जो होता है उसका ब्रांड को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, करते हैं, उसी कंपोजिशन में दूसरी दवा मार्केट में अवेलेबल है जो कम प्राइस में मिल सकती है, लेकिन वहाँ पे ब्रांड से को प्रिस्क्राइब करने से ब्रांड जो होती है, जो उसकी कंपनी होती है, उनको कुछ जो है गिफ्ट वगैरह देती है, जिसके कारण ऐसा किया जाता है, राइट। तो प्रतिस्पर्धा आयोग का यह अध्ययन जो है ये आपका क्या करता है कि यहाँ पे ये कंपटीशन आपको इंश्योर करेगा जिसके कारण एफोर्डेबल प्राइस में ड्रग्स हम लोगों को मिल सके, और जो हमारे देश में जो यहाँ पे ब्रांड के बेसिस पे जो है कंपटीशन होता है वो ब्रांड से हटकर वो किस चीज़ पे हो जाए, प्राइस पे हो जाए। तो इसी से रिलेटेड ये जरूरी भी था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बात करें, हम लोग सोचते हैं कि हमारे देश में जो है फार्मा इंडस्ट्री जो है बहुत ही छोटी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वैश्विक स्तर पर ग्लोबली अगर हम लोग इसको देखें तो हमारा इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोवाइडर है वो ड्रग जेनरिक मेडिसिन को प्रोवाइड करने में। जैसे अगर हम लोग बात करें तो लगभग ये 50% ड्रग जो है पूरा वेरियस वैक्सीन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये ग्लोबल लेवल पे प्रोवाइड कराता है, मतलब जितने भी विश्व में जो वैक्सीन यूज होते हैं उसका 50% इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है, राइट। जिसमें 40% जो जेनरिक मेडिसिन है वो आपका यूएस में भेजा जाता है, 25% जो मेडिसिन है वो यूके में भेजा जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इंडियन जो फार्मा इंडस्ट्री है वो छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे जो ये एक तरीके से जो बिजनेस चल रहा है वो ब्रांड के बेसिस पे चलता है हमारे देश में, ठीक है। उसके बाद लगभग अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये जो हमारे पास एंट्री विट्रोवल ये जो है एंटी रेट्रोवायरल जो दवाइयाँ हैं, एंट्री रेट्रोवायरल जो ड्रग्स है वो जनरली यूज किस चीज के लिए किया जाता है, जो एड्स की दवा होती है उसी को एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन्स या ड्रग्स हम लोग बोलते हैं। तो उसका 80% जो है वो यहाँ पे इंडिया के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है, राइट। तो ये पूरे कंट्री में एड्स को रोकने के लिए, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे इसमें भी जो है इंडिया का बहुत बड़ा जो है रोल आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो भी हमारी इंडियन जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मतलब थर्ड लार्जेस्ट अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम के हिसाब से, ये तीसरे स्थान पे आता है। और अगर हम लोग वैल्यू के हिसाब से बात करें, जैसे अगर कीमतों के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा इंडिया का जो है वो 13th रैंक है। ये आपका यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव में ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये अगर वॉल्यूम के जो है ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वॉल्यूम के आधार पे इंडिया का कौन सा रैंक है, इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट का वर्ल्ड लेवल पे जो है कौन सा स्थान है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे थर्ड तीसरा स्थान पे आता है, और जो है वैल्यू के टर्म के अनुसार मतलब कीमतों के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ये 13वें स्थान पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो भारत जो है एक तरीके से ये फार्मा एरिया में एक वैश्विक जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च हब है, ये अगर आप इसको बोल सकते हो, राइट। इसके डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार, यहाँ की मेडिसिन की सप्लाई के अनुसार आप इसको ये चीज बोल सकते हो कि जो इंडियन जो फार्मा इंडस्ट्री है उस वो जो है एक तरीके से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च हब है, राइट। और अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है वन ऑफ द लोवेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भारत में जो है वो दवाई की जो एक्सपोर्ट जो कॉस्ट जो होता है मतलब विनिर्माण जो लागत जो होता है वो बहुत ही कम है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है। और दूसरा जो है ये अमेरिका की तुलना में कम और यूरोप की तुलना में लगभग हाफ है, यूरोप की तुलना में तथा विश्व में अगर हम लोग बोलें तो ये हमारा इंडिया में जो कॉस्टिंग जो होता है दवाई को मैन्युफैक्चर करने में वो बहुत ही कम है। अब यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कि इस चीज में हमारा जो है क्या क्या चैलेंजेस है जिसपे हमको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर हमारे देश में ऐसा क्यों है,
किस तरीके से कॉम्पिटेंसी को हम लोग बढ़ा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस, मतलब प्राइस पर अगर कंपटीशन होगा देन आफ्टर ऑटोमेटिक यहाँ पे कंज्यूमर के लिए हेल्पफुल होगा, और जो दवा वो महंगा दवा खरीद रहे हैं वही दवा वो कंपटीशन में, बहुत सारी कंपनियां अगर अच्छी अच्छी कंपनियां अगर इस फील्ड में आती हैं तो वहां पे वो जो है उसका प्राइस ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाता है। तो इस पे क्या क्या चैलेंज आ सकता है, पहला हमारा होता है डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंस जो है किस कंट्री पे हमारा ये डिपेंडेंस होता है, चाइना पे। तो जैसे कि अगर हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में बात करें, जैसे जो दवाओं के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं वो हम लोग कहाँ से लाते हैं, वो हम लोग लाते हैं चाइना से, राइट। जिसको हम लोग कच्चे माल को क्या बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, राइट। तो ये एपीआई बोला जाता है और इसको हम लोग बल्क ड्रग भी बोलते हैं। तो ये हम लोग सबसे ज्यादा कहाँ से खरीदते हैं, चाइना से। और इंडिया में जितने भी ड्रग मेकर्स हैं वो 70% जो टोटल जो बल्क ड्रग होते हैं, ठीक है, 70% मतलब जो भी वो यूज कर रहे हैं उसका 70% जो है वो चाइना से ही लाते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपका चैलेंज ये हो सकता है जिसमें हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, दूसरा जो है अगर हाई वैल्यू एंड हाई ब्रांड वॉल्यूम वाला जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका जो है प्रतिकूल प्रभाव आपका बिजनेस पे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिजनेस पे कैसे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कोई भी दवा अगर मेडिसिन अगर क्या है कि वो बहुत ही महंगा है और ब्रांडेड है, तो वहां पे उसको उसका जो है नकली वर्जन एक तरीके से आ सकता है। नकली वर्जन मतलब वहां पे जो है उसका डुप्लीकेट मेडिसिन बनाया जाता है, और वहां पे जो भी उपभोक्ता होते हैं, जो लास्ट जो कंज्यूमर होंगे जो उसको कंज्यूम करेंगे, उनका हेल्थ पे उसका जो है एक तरीके से बैड इम्पैक्ट पड़ता है और उनके हेल्थ के लिए वो नुकसान भी पहुंचाता है। तो ये दो आपको चैलेंजेस हैं जो ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये हमारा अच्छे से वर्क नहीं करेगा, राइट, ठीक है। तो दो चीज है हमारा चैलेंज, पहला तो निर्भरता, हम लोग चाइना पे निर्भर करते हैं। दूसरा हमारा जो है यहाँ पे फेक वर्सन ऑफ द हाई वैल्यू जो है वो भी हमारे देश में जो है वो नकली ब्रांडों का जो नकली संस्करण है, नकली जो दवाई जो उत्पन्न होती है, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस है। अब यहाँ पे इसलिए इंडिया को क्या करना चाहिए, तो पहला तो डिपेंडेंस है, तो पहले तो उसको जो है चाइना से जो है जो भी हम लोग रॉ मटेरियल करते हैं खरीदते हैं दवाओं के लिए, जो एपीआई खरीदते हैं वो हम लोगों को यहीं पे क्या करना होगा, बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉल फॉर द ग्रेटर सेल्फ रिलायंस, रिलायंस इसका मतलब आत्मनिर्भरता हम लोगों को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में जून में जो है फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि हमारे देश में 3 बल्क ड्रग पार्क जो है वो बनाए जाएंगे। बल्क ड्रग पार्क क्या होता है, वो डेजिग्नेटेड होता है जिसमें जो है जो भी एपीआई होते हैं, और एपीआई मतलब आप बोल सकते हो जो रॉ मटेरियल हो गया, सक्रिय दवा संघटक जो हो गए, डीआईस मतलब हो गया जो इंटरमीडियरीज जो दवा होते हैं, एंड केएसएम जो होते हैं मतलब मुख्य शुरुआती सामग्री जो होती है जो किसी भी दवा को बनाने के लिए जो यूज किया जाता है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं पे आपका बनाया जाएगा और इसको ये सारा चीज यहीं पे इंडिया में ही इसको जनरेट किया जाएगा। जो हम लोग चाइना पे डिपेंड होते हैं वो नहीं करेंगे। दूसरा जो है इसके अलावा इसमें जो है जो कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी अपनाने की बात की जा रही है, राइट। कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट को भी अपनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे पार्क में जो बल्क ड्रग्स हैं, जो भी बल्क ड्रग्स हैं जिससे जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की लागत कम होगी, और जिसके कारण हम लोग जो है बल्क ड्रग्स जो है उसमें कंपटीशन बढ़ने की भी उम्मीद है। अगर मान लो कि सपोज अगर बल्क ड्रग्स अभी 3 ओपन हो रहा है जून में ये अनाउंस किया गया, तो और भी हमारे कंट्री में धीरे धीरे क्या होगा कि अगर 3 पार्क अगर खुल जाता है तो और भी जो है पार्क बल्क ड्रग पार्क बनेगा, उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है कंपटीशन बढ़ेगा और दवाई की जो लागत है वो और कम हो जाएगी, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो ये तो था हमारा जो है क्या इंडिया को करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये बनाया गया था कंपटीशन एक्ट 2002 के अनुसार, जिसके कारण ये जो है इसके तहत जो है ये किस किस चीज पे फोकस करता है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करता है, ये जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करता है, एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट,
मतलब एक तरीके से अधिनियम के प्रशासन पे ये फोकस करेगा, कार्यान्वयन पे फोकस करेगा और परिवर्तन के लिए इसको जो है बनाया गया था। इसके बाद मार्च 2009 में इसकी विधिवत गठन की गई, मतलब 2002 में ये एक्ट बना, उसके बाद 2009 में जो है इसका विधिवत गठन किया गया और इसके चेयरमैन एंड मेंबर्स जो भी होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अब इसका जो है इस कमीशन का फंक्शन क्या है, तो कमीशन का फंक्शन ये है कि भारतीय स्पर्धा जो भी इनका कर्तव्य यही है, इनका कार्य यही है कि जो भी यहाँ पे जो कंपटीशन का प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना, जैसे जो भी कंपटीशन हो रहा है जो उसको रोक रहा है उसके प्रभाव के अभ्यासों को खत्म करने के लिए सबसे पहला इसका ड्यूटी है कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कंपटीशन को खत्म करना है, राइट, इसको जो है एलिमिनेट करने का काम करना है। दूसरा, प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन, मतलब यहाँ पे प्रतिस्पर्धा को बनाने रखना है और दूसरा उसे जारी रखने की कोशिश करते रहना है, राइट, मतलब कंपटीशन मार्केट में खत्म ना हो। तीसरा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर आपको सोचना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पैसे के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे ये कमीशन इस चीज पे भी फोकस करता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर मतलब उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, ये भी इसका महत्वपूर्ण जो है ये फंक्शन है, राइट, समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे कमीशन, ये जो आयोग है इसके तहत अगर हम लोग बात करें तो स्थापित जितने भी स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी है और ये किसी लॉ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बनाया गया, अंडर एनी लॉ, ठीक है, मतलब अगर आप बात करें तो आयोग किसी कानून के तहत स्थापित किसी संवैधानिक प्राधिकरण मीन्स स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी जो है उससे प्राप्त जो है संदर्भ पर प्रतिस्पर्धा संबंधी जो कंपटीशन रिलेटेड जो विषयों पर परामर्श प्रदान करता है, ये एक तरीके से क्या करेगा, ये अपना ओपिनियन देगा और यहाँ पे क्या करता है एक तरीके से ये एस्टैब्लिश करता है, क्या एस्टैब्लिश करेगा, ये एस्टैब्लिश करता है कंपटीशन का जो फीलिंग्स होता है वो मार्केट में ये बनाए रखता है। दूसरा, इसके अतिरिक्त ये जो कमीशन है ये जागरूकता पैदा करने का भी काम करता है जिसके कारण, और दूसरा जो है ये कंपटीशन के विषयों पर लोगों को प्रशिक्षण भी देने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये जो कंपटीशन एक्ट है ये कैसे आया, तो पहले इससे पहले एक एक्ट था द मोनोपोलिस एंड द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ये 1969 में बनाया गया था जिसको एमआरटीपी एक्ट बोलते हैं, राइट, तो इसी को रिप्लेस करके ये कंपटीशन एक्ट बना 2002 में। और ये किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, ये राघवन समिति के सिफारिश पे इसको बनाया गया था। तो ये जो कंपटीशन एक्ट है इसको 2002 में का संशोधित स्वरूप जो है वो एक तरीके से 2007 में आया और ये पूरा क्या क्या खत्म करता है, तो 2007 में जो आया ये फिर इसको अमेंड किया गया इस एक्ट को 2007 में। इसके बाद एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट पे ये क्या करता है, प्रोहिबिट्स करता है, दूसरा मतलब प्रतिस्पर्धा जो रोकने की जो कंपटीशन रोकने की जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसको ये पूरा बैन करता है, इसको ये रोकने का काम करता है। दूसरा, यहाँ पे जो इंटरप्राइजेज हैं जो भी कॉम्बिनेशंस हैं इंटरप्राइजेज एंड जितने भी बड़े बड़े जो कंपनियां हैं बड़े बड़े कंपनी का जो मार्केट में जो स्थिति है और उसके अनुसार जो अपनी स्थिति के अनुसार वो जो दुरुपयोग करते हैं उसका मिसयूज करते हैं उसको भी खत्म करने का काम करता है। तीसरा, यहाँ पे जो है ये रेगुलेट करता है कॉम्बिनेशन, जैसे ये एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण, एक्वायरिंग ऑफ द कंट्रोल, तो ये सब चीज को ये क्या करता है, रोकने का काम करता है। मतलब अगर कोई एक कंपनी है, कोई एक बड़ी कंपनी है, अगर वो पूरे मार्केट में उसी का कंट्रोल है तो उसको वो खत्म करने का काम करते हैं, क्योंकि ज्यादा कंपनियां होगी तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन ज्यादा होगा और उन लोगों के लिए जो है बेनिफिशियल होगा हर तरीके से, राइट, ठीक है। उसके बाद इस संयोजन के कारण जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो उसे पड़ने उसके पड़ने की संभावना हो सकती है, तो इसको ये सब ये रोकने का काम करता है, जो भी जो मतलब एक तरीके से कंपटीशन विरोधी जो भी काम होते हैं वो उसको ये रोकने का काम करता है, राइट। तो यही था करेंट अफेयर का न्यूज, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो सेशन को लाइक जरूर करना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, क्योंकि ये जो है
इसी तरीके से आपको कंटिन्यूअसली क्लासेस मिलते रहेंगे, जिसमें आपको मैं यहाँ पे करेंट अफेयर और साथ ही साथ जो हूँ आपका स्टैटिक्स पार्ट भी, GS1, GS2, GS3 एंड मैथ्स का ऑप्शनल पेपर भी यहाँ पे मैं धीरे धीरे लेकर आ रहा हूँ, राइट। सो अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक।